हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका, आप सभी का मेरे चैनल इजी कुकिंग में। आज मैं आप सबके लिए गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मिल्क पाउडर से बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आइए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। 2 कप मिल्क पाउडर, 4 टीस्पून मैदा, 1 टीस्पून घी, 1.5 कप दूध का लिया है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। जो पैन रख दिया है मैंने ऊपर, उसमें हम 1 चम्मच घी का डालेंगे। और उसके बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने डाला है अभी, 1.5 डालेंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही में अब हम मिल्क पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। इसे स्टर करते रहें साथ ही साथ, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। इसे हम डालने के बाद हम इसे हिलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हम इसे मावा टाइप बना लेंगे। इसका मावा बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो जाता है। इससे आप और भी मिठाइयाँ बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर हम चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मावा बनकर रेडी है। इससे आप और भी मिठाइयाँ बनाकर रेडी कर सकते हैं इसी तरीके से। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम हाथों की सहायता से अच्छे से सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लेंगे। इसमें इलायची पाउडर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर इसका हमें सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लेना है। और इसमें इकट्ठा मैदा ना यूज करें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम मैदे का यूज करेंगे। ये देखिए हमारा डो बनकर बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है, सॉफ्ट बना है। इसमें 5 टेबल स्पून मैदे का यूज हुआ है। ये देखिए मैंने पैन ले लिया है दूसरी तरफ, और इसमें मैंने 1 कटोरी चीनी की डाल दी है। 2 कटोरी मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। इसमें हमें गुलाब जामुन के लिए थोड़ी पतली चाशनी बनाकर रेडी करनी होती है। 2 से 3 इलायची मैंने कूट कर इसमें डाल दी है। थोड़ा सा मैंने सैफ्रन लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे कलर हमारा अच्छा आ जाता है चाशनी में। और यहाँ पर मैंने 2-3 ड्रॉप रोज वाटर के लिए है। ये हमने जो बैटर बनाकर रेडी किया था उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है, और इसमें मैं 1 इंच कलर का यूज करूँगी। और इसे इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारे बॉल्स बनकर रेडी हैं। अब इसमें हम फिल कर लेंगे, जो मावा बनाकर हमने रखा हुआ था अपना, मैं फिल करके छोटे बॉल्स बना लेंगे। इधर हमारी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए गाइस, हमारे बॉल्स बनकर रेडी हैं। हम इसे फ्राई करेंगे। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के लिया हुआ है, ये मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा हुआ है इसका फ्लेम। एक एक करके हम इसमें ऐड कर देंगे
दो बार करके हम इसे फ्राई करेंगे, आधे एक बार कर लेंगे आधे दूसरी बार करेंगे। ये देखिए ऐसे हमें हल्के हाथों से हिलाना है इसे, हिलाते हुए इसे अच्छे से हमें ब्राउन गोल्डन ब्राउन कर लेना है। कलर ऐसा गुलाब जामुन का जैसे होता है कलर, वैसा बनकर रेडी कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें ये सारा प्रोसेस करना है। ये देखिए गाइस हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी है। कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब हम इसे चाशनी चाशनी में डाल दी जाएंगी। देखिए गाइस हमारा एक बैच बनकर रेडी है, दूसरा बैच हम इसमें ऐड करेंगे। अब देखिए दूसरा बैच हम इसमें डालेंगे और इसके हाथों से खाते भी बनाएंगे इसे मीडियम फ्लेम पर। आप ऐसे ही बनाएं, बहुत स्वादिष्ट बनेंगे आपके रसगुल्ले, बहुत स्पॉन्जी और सॉफ्ट। इस रक्षाबंधन पर आप जरूर इसे ट्राई करें घर पर। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए हमारा दूसरा बैच भी बनकर रेडी है गाइस। अब हम ढक कर रख देंगे एक घंटे के लिए, एक से दो घंटे के लिए, तो बाद में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी बने हैं। इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें एक बार, सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। इस रक्षाबंधन पर ज़रूर ट्राई करें आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए गाइस कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, कितने अच्छे बने के रेडी हुए हैं। ऐसे ही आप ट्राई करें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय गाइस।